गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव शहरात शेअर मार्केटच्या नावावर 3.20 कोटीने फसवणूक करणाऱ्या 2 भावंडांवर आमगाव पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्या 2 भावंडांनी 5 जणांची फसवणूक केली आहे. शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवल्यास महिन्याकाठी 7 ते 8% परतावा देण्याचे आमिष देत त्यांनी लोकांना लुटले. सुरुवातीला 5 लोकांची फसवणूक झाल्याची बाब पुढे आली असली तरी फसवणूक होणाऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. चलुराज व्यंकटरंगाबा कमैया राहणार बनगाव. मैंने बनिया मोहल्ला आमगाव यहाँ के निवासी कन्हैयालाल पांडे और किशन पांडे इन दोनों को 1.35 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए इन लोगों ने मेरे घर पे आके मेरे को बहुत क्या कहते प्रेशर डालने के बाद मैं कन्विंस हो कि इनको 1.35 करोड़ रुपए दिया था. उस पेटे इन लोगों ने मुझे 50 लाख रुपए रिटर्न भी किए, बाकी 85 लाख चेक सिक्योरिटी के चेक दिए और 1 मई के चेक थे. मैं इनको 1 मई इनके जब घर पे गया रिटर्न पैसे लेने के लिए तो इनने मुझे वाद विवाद करके मैंने पैसे पूर्णतः दिया, ऐसा मेरे पे एलिगेशन लगा के मेरे को भगा मेरे मित्रगण जो 4 लोग हैं जिनके भी उनके पैसे मिला के टोटल 3.20 करोड़ रुपए पैसे हम लोगों के पैसे और मार्केट में जहाँ तक अंदाजन 150 से 200 करोड़ रुपए का घोटाला है. टोटल 245 लोगों के पैसे है ऐसा एक अंदाजन है, पर 245 सदस्य है इसमें. इस बारे में आपने लोगों का इन्वेस्टिंग इस बारे में आपने पुलिस स्टेशन में तकरार करा? हाँ, पुलिस स्टेशन में मैंने FIR की है और इसमें पुलिस का पूर्णतः सहयोग है. पुलिस हमको पूर्ण मदद कर रही है, उनका आश्वासन है हम ये पैसे आपके निकालने में पूर्ण सहयोग करेंगे. इसमें श्री चौहान सर ने भरपूर मदद की और फुल इन्वेस्टिगेशन में हम उनका कोऑपरेट कर रहे हैं. जो भी हमारे पास एविडेंस है हम पूरा एविडेंस उनको दे चुके हैं. और भी कुछ लोग मेरे साथ हैं, 20-25 लोग, उन लोगों का भी सहयोग मिलेगा. पुलिस स्टेशन आमगाव येथे फिर्यादी चलुराज व्यंकटरमैया कमैया वय 58 यांनी तक्रार दिली की माहे जून 2012 पासून ते आता पाहतो येतो एक किसन चंपालाल पांडे वय 21 व कन्हैयालाल चंपालाल पांडे वय 24 यांनी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करून 7 ते 8% परतावा देऊ असा आमिष दाखवून वेळोवेळी 2012 पासून ते आत्ता पाहतो येतो फिर्यादीच्याकडून 3.19 लाख 75 हजार रुपये घेऊन त्याचा प्रामाणिकपणे अफवार करून फिर्यादीची फसवणूक केली अशी तक्रार प्राप्त झाल्याने या दोन्ही आरोपीविरुद्ध पोलीस स्टेशनला 420, 418, 403, 406, 121 ब असा गुन्हा दाखल केला आहे. दोन्ही आरोपीला अटक करण्यात आली आहे आणि पुढील तपास आमगाव पोलीस करीत आहेत.